के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते। खट्टर जी का बयान आया कि जो 4 साल बाद आएंगे उसको हम हरियाणा में नौकरी देंगे, इसका मतलब ये भी है कि आप आरक्षण भी खत्म करना चाह रहे हो। आरक्षण का पालन नहीं करोगे आप, क्योंकि सेना में आरक्षण होता नहीं है और हरियाणा सरकार का ही हम आरक्षण मतलब भर्ती लेंगे, मतलब आरक्षण का पालन मतलब आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं। युवाओं को कल 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, तो पूरा युवाओं के साथ ही ये धोखाधड़ी है, देश के साथ अन्याय है। दूसरा मुद्दा राहुल जी का है, राहुल जी को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो किसानों की बात करते हैं, वो नौजवानों की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, और इसलिए उसे नेशनल हेराल्ड में उसको 5 दिन से पूछताछ कर रहे हैं। 500 सवाल है, 5 दिन से सवाल कर रहे हैं, और उसको साथ देने के लिए हजारों हजार जो कार्यकर्ता हैं उसके पीठ पे लाठियां बरसाई जा रही है, उसको डिटेंशन बिना अपराध दर्ज किए उसे गिरफ्तारी किया जा रहा है, हमारे सांसदों को पिटाई की जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, कितने के पसलियां टूटे, कितने के पैर टूटे, वो सब रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन हमारे सांसदों को हमारे नेताओं को पिटाई की जा रही है, क्योंकि वो राहुल जी के साथ दे रहे हैं। राहुल जी के साथ देने के कारण से अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उसके भाई के घर सीबीआई के छापा पड़ा है, और अभी मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ में भी इलीगल फोन टेपिंग किया जा रहा है, अब अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। तो ये कितना देश के लिए राहुल जी लड़ रहे हैं, तो इसलिए उसको परेशान किया जा रहा है। राहुल जी के साथ देने के लिए हमारे सांसद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं, उनके साथ पिटाई की जा रही है, और दो प्रदेश है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां को भी अस्थिर करने की कोशिश ये केंद्र की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र में कई विधायक नहीं मिल पा रहे हैं, चुनी हुई सरकार को किस प्रकार से मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, राजस्थान में किया, कर्नाटक में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, अब वो झारखंड में हाथ आजमाए, अब महाराष्ट्र में हाथ लगा, महाराष्ट्र में लगातार पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की सरकार को फर्क नहीं पड़ेगी। जो देश के विभिन्न वर्गों के साथ राहुल जी दे रहे हैं, इस कारण से उसे परेशान किया जा रहा है, और राहुल जी को सारे लोग साथ दे रहे हैं उसको परेशान किया जा रहा है। भाई साहब,